हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे जो कि है कच्ची हल्दी का अचार। इसके लिए हमें 250 ग्राम कच्ची हल्दी को हमने कद्दूकस किया है और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं टू एंड हाफ टेबल स्पून मेथी का दाना, टू एंड हाफ टेबल स्पून सरसों और टू एंड हाफ टेबल स्पून नमक और एक टेबल स्पून चिली, रेड चिली, और आधा कप नींबू। और इस तरफ हमने कढ़ाई में 100 ग्राम सरसों का तेल गरम करके रखा है और उसमें गरम करके ठंडा करा है और उसमें आपको 2 से 3 पिंच हींग की डालनी है। देरी को अब बारी है इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड जो कि सरसों है, उसके बाद हम डालेंगे मेथी दाना, उसके बाद डालेंगे रेड चिली जो कि 1 टेबलस्पून थी, और सबसे लास्ट में हमें डालना है नमक, और फिर इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे अदरक। हल्दी को अच्छे से डाल दिया है। सो ये 250 ग्राम हल्दी थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप डालेंगे नींबू का रस, धीरे धीरे करके डालना है। नींबू का रस डालने के बाद हमें इस कच्ची हल्दी के अचार को किसी बर्तन में रखना है 4-5 घंटे के लिए ताकि ठंडा हो सके, और उसके बाद हमें इसे किसी साफ़ सुथरे धुले सूखे जार में भर देना है और इसे 1-2 दिन के लिए धूप में छोड़ देना है। और लीजिए आपका चटपटा कच्ची हल्दी का अचार तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।